हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर सेट के लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक एंड उसके क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 के अंदर हमने सेट के जो 1.1 के बेसिक पॉइंट और क्वेश्चंस किए थे। उम्मीद है कि फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट लेक्चर थी आपकी काफी आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो क्लास इम्पोर्टेंट होगी क्लास 11 के लिए जेईई एनडीए एयरफोर्स नेवी एसएसआर एसएससी एंड अदर एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि इससे पहले हम क्वेश्चन 2 तक कर चुके हैं। जिस बच्चे का छूट चुका है, जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे लेक्चर 1 सेट को भी चेक कर लें और इसके बाद 11th के और भी चैप्टर्स हैं जो प्ले स्टोर में दिए गए हैं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। जैसा कि हमने बताया था कि सेट को लिखने के रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि ऑल एल मेंबर्स एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इन ब्रैकेट्स। मतलब जितने भी उसके मेंबर हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनको कॉमा देके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में बताया गया था कि व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड ओनली देयर प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड। सारे एलिमेंट को नहीं लिखा जाएगा, केवल उसके जो प्रॉपर्टीज है सारे एलिमेंट के उनको लिखा जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा था राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट आपको लिखा हुआ है किसमें, सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, रोस्टर में आपको लिखना। कह रहा है एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन एक्स लेस देन 7। यानी एक्स जो है इस मेंबर का, इस सेट का मेंबर एक्स है और वो एक इंटीजर है। आप इंटीजर जान चुके हैं, जो बच्चे पहली क्लास ले चुके हैं हम इंटीजर को क्लियर किए थे, फिर भी आपको दोबारा बता रहे हैं। इंटीजर का मतलब है कि व्हेन नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ होल नंबर। होल नंबर के ग्रुप में अगर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को भी शामिल कर दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो इंटीजर बनता है। होल नंबर क्या सीखा था आपने कि अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए नेचुरल नंबर के ग्रुप, और नेचुरल नंबर क्या सीखा था, ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल। पता चला कि जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल नंबर्स आर इंटीजर। तो -3 से 7 के बीच के नंबर लिखने हैं, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया आपका पहले का आंसर। इसी तरह से दूसरे में बोला है कि बी क्या है, एक्स वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स कोई नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। तो 6 से कम काउंटिंग कहां तक लिखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सी पार्ट, कि x वेयर x इज ए सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। हमें कह रहा है कि c का मेंबर वो x है जो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर है, यानी 2 डिजिट का नेचुरल 10 से स्टार्ट होता है, और ऐसे नंबर हैं कि उनके जो डिजिट का सम है वो 8 है। जैसे 11 हुआ 1 + 1 2, इसी तरह से डिजिट का सम क्या आ रहा है, 8। तो आप देखेंगे कि 2 डिजिट 10 से स्टार्ट है। अब ऐसे 2 डिजिट लेना है जिसमें डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आप लेंगे 1 7, अगर आप 1 7 लेते हो तो 1 7 क्या होता है आपका, 8। तो 1 7 8 आ गया, 2 6 8 आ गया, 3 5 8 आ गया, 4 4 8 आ गया, 5 3 8 आ गया, 6 2 8 आ गया, 8 0। बस ये नंबर्स ऐसे हैं 2 डिजिट के जिनके डिजिट का सम 8 होगा, ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पॉइंट आपको जानना है कि x इज ए प्राइम नंबर। कह रहा है कि x क्या है, प्राइम नंबर है, विच इज ए डिवाइजर ऑफ 60। मतलब x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है, जिससे 60 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो आप देखेंगे कि 61 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड, ये सारे नंबर्स, लेकिन हमें क्या बोला है, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर केवल क्या है, 2 3 5, दो प्राइम नंबर है जिससे 60 कटेगा,
थ्री प्राइम नंबर जिससे 60 डिवाइड होगा पूरी तरह और फाइव प्राइम जिससे 60 पूरी तरह। ये आंसर क्या आ गया 235। और ओनली नंबर की बात करता तो ये सारे नंबर जो है 60 के क्या है डिवाइजर है, लेकिन हमें ओनली प्राइम नंबर लेना है इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया 235। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री लेटर वर्ल्ड के जितने भी लेटर हैं उनको आप रोस्टर फॉर्म में लिखे। तो ट्रिक क्या है, आपने पहले सीखा है कि जो भी वर्ड दिया रहेगा उसके इच लेटर को सेपरेटली लिखना है, किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। जैसे टी है आपने लिख दिया, आर लिख दिया, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया, फिर दोबारा से ओ है नहीं लिखेंगे, एम लिख दिया, ई लिख दिया, टी दोबारा रिपीट हो रहा नहीं लिखेंगे, फिर इसके बाद आपने एम लिख दिया, फिर ई लिख दिया और वाई, मतलब हर लेटर को ओनली वन टाइम्स लिखना है, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, बेटर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट लिखिए, किसमें रोस्टर फॉर्म में। सेम क्वेश्चन है, बी लिख दो, ई लिख दिया, टी लिख दिया, दोबारा टी है नहीं लिखेंगे, ई दोबारा है नहीं लिखेंगे, आर लिख देंगे, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी कॉमन प्रॉपर्टी को देखिए क्या हो सकता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3, यानी ये 3n है, यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और 4 तक है। हमने लिख दिया x, वेयर x इक्वल टू 3n एंड n इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल n, यानी नेचुरल नंबर, और 1 लेस देन इक्वल देन n एंड लेस इक्वल देन 4, यानी n जो है उसकी वैल्यू 1 टू 4 लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है a इक्वल टू 2 4 8 16। अब देखो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की 3, 2 का, अब लिख दोगे x, वेयर x बराबर 2 की है, n इज ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और कहां तक स्टार्ट है तो 1 से 4 5, तो 1 लेस देन इक्वल देन n, n लेस देन इक्वल देन 5। नेक्स्ट पार्ट आपका थर्ड है 5 25, इसमें भी देखोगे 5 का 1 5 होता है, 5 का 2 25, 5 का 3 125, 5 का 4 625। तो a इक्वल टू x, वेयर x इक्वल टू 5 की n, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल देन 4। इसी का फोर्थ पार्ट आप देखेंगे 2 4 6 अप टू इंफिनिटी है, तो a बराबर x, वेयर x इक्वल टू 2n, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 डाला 2, 2 डाला 4, 3 डाला 6, 4 डाला, इसी तरह बढ़ता चला है। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि x, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, जो भी इसके अंदर आएगा वो क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो a दे रखा है 1 4 9 200, तो a इक्वल टू x, वेयर x इक्वल टू n का स्क्वायर, n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल n। अब आप देखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कहां तक जाएगा, 10 का स्क्वायर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर उनका स्क्वायर जा रहा है, तो n, n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल n, यानी n क्या है नेचुरल नंबर है, कहां से 1 से लेकर 10 तक, तो 1 लेस देन इक्वल n एंड लेस देन इक्वल टू 10, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5, कर लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। अब ये दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में और हमें कह रहा है कि इसके सारे एलिमेंट को लिखिए, यानी रोस्टर फॉर्म में इसको आपको लिखना है। तो क्या करोगे, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, आप जानते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर का मतलब है कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, द नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नेचुरल नंबर। तो a हो जाएगा आपका 1 3 5 7। इसी तरह से b है x, वेयर x इज एन इंटीजर, -1/2 लेस देन x, 9/2। आपने देखा इंटीजर की बात हो रही है, इंटीजर क्या होता है, 0, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव। तो आप देखेंगे कि -1/2 से 9/2 के बीच के इंटीजर्स क्या होंगे, तो 0 1 2 3 4, क्योंकि 9/2 का मतलब है 4.5 से कम, यानी 4 तक लेंगे। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आपका है कि x, वेयर x इन इंटीजर, x स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 4, तो c इक्वल टू आ जाएगा 0 1 -1 2 -2। डी पार्ट आपका है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल,
तो डी के लेट लॉयल वर्ड को आपको लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप क्या लिखेंगे, एल लिख दिया, ओ लिख दिया, वाई लिख दिया, ए लिख, एल लिख चुके हो ऑलरेडी, रिपीट नहीं करना है, तो एल ओ वाई ए आपका राइट आंसर। अगला पॉइंट आपका एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कह रहा है एक्स जो है ईयर का ऐसा मंथ है, साल का वो महीना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो 31 डेज को आप हटाइए तो कैसे करोगे, ये एक तरीका है, जैसे हाथ पैसे कर लिया, जो इसके ऊपर आता है वो 31 का है, जो अंदर जाएगा वो 30 का है। तो आप देखोगे कि जनवरी फेब क्या आएगा, 30 का आ जाएगा, फिर मार्च 31 आएगा, फिर फेब क्या अप्रैल क्या जाएगा 30, इसी तरह से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका फेब, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये क्या है, ये 31 के नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आपका 6 पार्ट है, कह रहा है एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। कह रहा है ये इंग्लिश के कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है जो के से पहले आते हैं, तो ए से स्टार्ट करोगे, ए तो वॉवेल है छोड़ देंगे, बी सी डी ई फिर कौन वॉवेल से छोड़ देंगे, एफ जी एच आई वॉवेल है छोड़ देंगे, जे के बाद के से पहले लेना है जे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको मैचिंग करनी है, फिर 6 क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड में ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट साइड में सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, आपको देखना कौन सा रोस्टर किस सेट बिल्डर के साथ मैच करता है। तो तरीका ये होता है कि जो सेट बिल्डर है उसको पहले आप रोस्टर में लिख लें। तो आप देखेंगे कि x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर, प्राइम नंबर है और डिवाइजर एंड डिवाइजर ऑफ 16, और 6 का ये डिवाइजर है, मतलब 6 को ये डिवाइड करता है। तो प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड करता है वो क्या होगा, 2 और 3 होगा। ये था a का, इसी तरह से b को आप रोस्टर में लिख लीजिए ताकि कंपेयर करने में इजी होगा। b क्या कह रहा है, x इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर लिखना है, तो 1, 3, 5, 7, 9 हम लिख देंगे b में 1, 3, 5, 7, 9। इसी तरह c में कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है, यानी 6 को डिवाइड करता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा और 6 भी डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा 1, 2, 3 से। मैथमेटिक्स का लिखना है रोस्टर, हर वर्ड को एक बार रिपीट, एक बार लिखना है, एम लिख दिया, ए लिख दिया, टी लिख दिया, एच लिख दिया, ई लिख दिया, एम को छोड़ देंगे, ए को छोड़ देंगे, टी को छोड़ देंगे, आई लिखेंगे, सी लिखेंगे और एस लिखेंगे। अब आप मिला दो, पहला जो है वो सी से मिलेगा यानी 1, 2, 3 से, दूसरा वाला टर्म्स है वो ए से मिलेगा, थर्ड आपका डी से मिलेगा, फोर्थ आपका बी से मिलेगा। अब आप देखेंगे 1.3 पॉइंट में आपको जानना है द एम्प्टी सेट, काफी इंपॉर्टेंट सेट है ये, एम्प्टी सेट बोलो या इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं और हिंदी में रिक्त समुच बोलते हैं। द एम्प्टी सेट यानी सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट और वाइड सेट। कह रहा ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं नल सेट, वाइड सेट या empty set, हिंदी में बोलेंगे रिक्त समुच, ऐसा समुच जिसमें कोई भी सदस्य नहीं होगा। इसको डिनोट करने का तरीका है खाली ब्रैकेट डालिए या ये लिखिए 5, जैसे आपने एग्जांपल लिखा a बराबर x, वेयर x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इज ए ऑड नंबर। दुनिया का कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं होगा जिसका स्क्वायर करने से 4 आ जाए, क्योंकि ये 4 2 का स्क्वायर है या -2 का स्क्वायर है और ये ऑड नंबर नहीं होता है। तो ऐसे एलिमेंट आप खोजेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी इसका घर क्या होगा, बिल्कुल खाली होगा, एम्प्टी होगा, तो दिस सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अगला पॉइंट आपको जानना है फाइनाइट सेट, कह रहा है सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो या तो बिल्कुल रिक्त हो, एम्प्टी हो, खाली हो, या उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जो मेंबर हो वो डेफिनेट हो, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं फाइनाइट सेट का मतलब ऐसा सेट है
जिसके अंदर इतने मेंबर हैं कि उसको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे एम्प्टी है, खाली है, तो आपको पता है इसमें एक भी मेंबर नहीं। चार है तो आप बोलेंगे चार मेंबर है, टू मेंबर है, पचास मेंबर है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जांपल 1 2 3 4, पता चल गया ए के अंदर कितने मेंबर है, चार मेंबर है, आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज डेफिनेट है, फाइनाइट है। अगला आपको जानना है इनफाइनाइट सेट। अगर अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे आपने लिख दिया ए इक्वल टू 1 2 3 डैश, अब ये कहां तक जाएगा आपको मालूम नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आपका है एग्जांपल नंबर 6, क्या कह रहा है, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट। अब आपको इस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा कि इनफाइनाइट और फाइनाइट क्या होते हैं। कह रहा है कि आपको जो सेट दिया गया है उसमें आप पता कीजिए ये फाइनाइट है या फाइनाइट। कह रहा है एक्स वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस वन इंटू माइनस टू जीरो, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 1 2, ए आ जाएगा आपका 1 2, सो इट इज फाइनाइट सेट क्योंकि इसको आप काउंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एक्स वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो एक्स होगा रूट 4 प्लस माइनस 2, 2 माइनस। अब आपने देखा एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स की तो वैल्यू आई है 2 और माइनस 2, बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, नेचुरल नंबर जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ए क्या होगा 2 और ये क्या है फाइनाइट सेट है। इसी तरह से आप देखेंगे थर्ड में कि एक्स वेयर एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ एन एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 0 है, 2x हो जाएगा 1, x हो जाएगा हाफ, तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू हाफ आई लेकिन ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, इसलिए इसका जो सेट होगा वो खाली होगा, एम्प्टी होगा। आपको पता चल गया कि इसके अंदर मेंबर क्या है, एक भी मेंबर नहीं है, मतलब फाइनाइट है, सो सेट इज फाइनाइट। अगला देखेंगे फोर्थ पॉइंट कि x वेयर x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम, नेचुरल नंबर है और x प्राइम है, इसके मेंबर क्या होंगे 2 3 5, कहां तक जाएगा मालूम नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, तो प्राइम कहां तक है मालूम है, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। इसी तरह से x where x is a natural number and x is odd, x तो natural number है और x odd है, यानी natural number में जो odd है 1 3 5 ले लेंगे, अब ये कहां तक जाएगा मालूम नहीं, so it is infinite set। तो ये था आज तक की क्लास और उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो दोबारा से इसको चेक करो, दोबारा से सुनो, फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं आप। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उसको बताइए ताकि उसका वो भी इसका फायदा उठा सके, क्योंकि अभी हमने जो स्टार्ट किया ये श्री, इसमें सारे कंटिन्यूस में एक एक क्वेश्चन करके आपको बताएंगे, बस आपका काम है उसको रिपीट करना, रिवाइज करना।